हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। न्यूज़ के इस सेगमेंट में पहली न्यूज़ है, क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल हो गया है। क्रोएशिया शनिवार मध्य रात्रि को पूरी तरह से यूरोपीय संघ में, जिसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं, उसमें शामिल हो गया है। इसके साथ ही देश में यूरोपीय मुद्रा यूरो का इस्तेमाल शुरू हो गया है और दर्जनों सीमावर्ती जाँच चौकियों को हटा दिया गया है। यूरोपीय महाद्वीप के बालकन क्षेत्र में पड़ने वाले छोटे से देश क्रोएशिया की आबादी लगभग 40 लाख है। 3 दशक पहले क्रोएशिया में हुए भयानक युद्ध के कारण पूरी दुनिया का ध्यान इस देश पर गया था। उस युद्ध में क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा बर्बाद हो गया था। क्रोएशिया के लोग बिना पासपोर्ट के 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन में स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगे। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब है और ये बालकन क्षेत्र में पड़ता है। अगली खबर यह है कि चीन के यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इन देशों में इनकी जांच बढ़ाई गई है। इटली, स्पेन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और मोरक्को ने भी चीन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है। चीन में हालात और बिगड़ने की स्थिति में कई देश चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने का विचार भी कर रहे हैं। चीन में कोरोना महामारी से हालात खराब हो रहे हैं। इस वजह से दुनिया भर में चीन से आने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत बढ़ने लगी है। भारत और अमेरिका के बाद अब कनाडा व ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से आ रहे लोगों की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा, चीन से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों को 5 जनवरी से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हम उन देशों में शामिल हो गए हैं जो चीन से आने वाले यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं चीन से कनाडा आने वाले यात्रियों को भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं चीन और फ्रांस के बीच उड़ानों में फ्रांस मास्क की अनिवार्यता को दोबारा लागू कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। पॉजिटिव पाए जाते हैं या उनमें लक्षण दिखाई देता है तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। फ्रांस ने चीन से यहाँ आने से पहले 2 दिन के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रविवार से चीन से आने वाले यात्रियों की औचक कोरोना जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारतीय क्रिकेटरों के लिए योयो टेस्ट के साथ अब डेक्सा भी जरूरी हो गया है। बीसीसीआई की मुंबई में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में खिलाड़ियों की फिटनेस सहित कई मुद्दों पर लिए गए हैं महत्वपूर्ण फैसले। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की रविवार को करीब 4 घंटे चली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय टीम में चयन के मानदंडों में योयो फिटनेस टेस्ट फिर से शामिल किया गया है। साथ ही डेक्सा हड्डी का स्कैन टेस्ट को भी चयन के मानदंडों में शामिल किया गया है। आईपीएल के लिए लाल गेंद के क्रिकेट पर सफ़ेद गेंद के क्रिकेट को तरजीह देने वाले उदीयमान क्रिकेटरों को राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा। बीसीसीआई सचिव जयसा ने कहा, पुरुष टीम का एफटीपी भविष्य दौरा कार्यक्रम और आईसीसी 2023 विश्व कप को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी आईपीएल टीमों के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेल और फिटनेस की निगरानी करेगा। एनसीए मतलब नेशनल क्रिकेट अकादमी खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी नज़र रखेगा, जिससे प्रमुख खिलाड़ियों पर ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव ना आए। भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप के रोड मैप और खिलाड़ियों की उपलब्धता, कार्यभार प्रबंधन, फिटनेस मानदंडों पर विस्तार से बात की गई। चेतन, रोहित, द्रविड़ भी रहे बैठक में। टी20 विश्व कप से भारत के सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से यह बैठक होनी थी। रविवार को हुई बैठक में बीसीसीआई सचिव जय शाह, अध्यक्ष रोजर विन्नी, कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण और चयनकर्ता चेतन शर्मा ने भाग लिया। विश्व कप के बाद पूरी चयन समिति को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन चेतन शर्मा ने रविवार की बैठक में भाग लिया। उन्होंने हरविंदर सिंह के साथ चयनकर्ता के पद के लिए फिर से आवेदन किया है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले 2023 वनडे विश्व कप के लिए 20 खिलाड़ियों को छांटा गया है। इन्हें ही विश्व कप से पहले टीम इंडिया में आजमाया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से 15 सदस्यीय टीम का चयन होगा। वनडे विश्व कप से पहले भारत 3 वनडे मैच की 5 सीरीज खेलेगा। इसी बीच 50 ओवर का एशिया कप भी खेलेगा। डेक्सा टेस्ट के बारे में बताते चलें कि यह एक्सरे से हड्डियों की मजबूती मापने का तरीका है।
इससे यह पता किया जाता है कि खिलाड़ी मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं। और योयो टेस्ट में इस एरोबिक फिटनेस टेस्ट से दमखम का आकलन किया जाता है। इसमें 20-20 मीटर की दूरी पर रखे गए मार्कर के बीच बढ़ती गति के साथ दौड़ना होता है। इन मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए कि उदयीमान खिलाड़ियों को टीम इंडिया में चयन के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा। योयो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट को भारतीय टीम में चयन के लिए मुख्य आधार में शामिल किया गया है। 20 खिलाड़ियों को इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे विश्व कप में छांटा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीटीपी ने पाक में किया नई सरकार का ऐलान। पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके आतंकी संगठन तहरीके तालिबान टीटीपी ने रविवार को पाकिस्तान सरकार को चुनौती देते हुए नई कैबिनेट की घोषणा कर दी है। उसका यह ऐलान नई सरकार के गठन की घोषणा ही माना जा रहा है। टीटीपी की निजी मीडिया एजेंसी खुरासान डायरी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में आतंकी संगठन टीटीपी ने सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान समर्थित इस आतंकी संगठन का गढ़ अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र में है। पाक सरकार के साथ संघर्ष विराम तोड़ने के बाद उसने यहाँ हमले तेज किए हैं। खासकर अफगानिस्तान से लगे पाक के क्षेत्रों में आतंकियों की ताकत बढ़ती जा रही है और सेना कमज़ोर हो गई है। हाल ही में टीटीपी ने मंत्रालयों को रक्षा, न्यायपालिका, सूचना, राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, शिक्षा, फतवा जारी करने वाले प्राधिकरण, खुफिया और निर्माण विभाग में विभाजित करते हुए अपनी नई नियुक्तियों की घोषणा की है। उसने अपनी सरकार के इलाकों को दो प्रांतों में बांट दिया है। एक प्रांत वो बनाया गया है जहां उसका नियंत्रण कमजोर है, दूसरा पाक सरकार के साथ जहां उसका विवाद है। पाकिस्तान के पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मलकंद, मर्दन, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहाट और झोबे जैसे इलाके में टीटीपी संगठन सक्रिय है और लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। सेना के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तालिबान से जुड़ा ये आतंकी संगठन पाक सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक पाक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 सुरक्षा कर्मियों के लिए घातक साल साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान जैसा ही हाल हो जाएगा पाकिस्तान का। टीटीपी की इस ऐलान से साफ हो गया है कि वो पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी पूरी तरीके से हावी हो जाता है और पूरे पाकिस्तान पर उसका शिकंजा कसता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा और पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू हो सकता है। अगली खबर जीएसटी से। जीएसटी संग्रह 10वें माह में भी 1.40 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह दिसंबर में सालाना आधार पर 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दिसंबर लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ से अधिक हो गया। इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए है। इसमें जीएसटी 26,711 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपए वस्तु के आयात पर जमा किए गए 40,263 करोड़ रुपए सहित और उपकर 11,005 करोड़ रुपए वस्तु के आयात पर जमा किए गए 850 करोड़ रुपए सहित शामिल है। दिसंबर 2021 के दौरान प्राप्त राजस्व की तुलना में वस्तुओं के आयात से राजस्व इस बार 8% तक अधिक रहा, जबकि घरेलू लेन देन से राजस्व 18% अधिक था। तो ये थी आज की न्यूज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।